सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप लोग अपने पेन ड्राइव की या फिर अपने मोबाइल की कोई भी चीज़ें अपने लैपटॉप में या फिर लैपटॉप की चीज़ें मोबाइल में आप किस तरीके से डाल सकते हैं, वो भी आप OTG की सहायता से या फिर आप लोग किसी भी पेन ड्राइव की सहायता से आप लोग बड़ी आसानी से मोबाइल की चीज़ें अपने लैपटॉप में, लैपटॉप की चीज़ें अपने मोबाइल में और पेन ड्राइव की चीज़ें आप लोग अपने स्मार्टफोन में भी डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर PC वाले ऑप्शन में आपको आना है, यानी कि आपको विंडो में आना है और यहाँ पर आपको इस साइड से इसको ऑन करके यहाँ पर इस तरीके से इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल की चीज़ें चाहिए तो आप यहाँ पर अपने मोबाइल को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, फिर से आपको आना है यहाँ पर आपको PC वाले में, और PC वाले में आने के बाद यहाँ पर आपको इसको उठाकर इस साइड रख देना है इस तरीके से। यहाँ पर देखिए आपको Windows 1 और 10 दो हो चुके हैं, दो आपको फोल्डर खुल चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए हमने फ़ोन के इंटरनेट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर आपको वो एप्लीकेशन रिकॉर्डिंग सी आपको जो भी चीज़ चाहिए वो चीज़ आप यहाँ पर ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए कॉल रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम कॉल रिकॉर्डिंग कर लिए हैं और यहाँ पर आपको जो भी चीज़ सर्च करना है वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोगों को पहले से वो चीज़ें पता हैं तो वहाँ से आप उनको रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आप अगर आपको ये कॉपी करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसका माउस का जो बटन होता है ये वाला होता है, ये वाला आपको आपको ये प्रेस करना है, फिर उसके बाद ये प्रेस करना है, मैं आपको बताता रहूँगा, आप उनको करते रहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए इसको कोने पर लाइए, सारे लोगों को करना है तो आप इस तरीके से इसको पेस्ट करते रहिए, नीचे लाइए और इसको इस तरीके से रोल करते रहिए। देखिए यहाँ पर सारे हो चुके हैं, ऊपर से नीचे जितने होते हैं सारे हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए हो चुके हैं, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से राइट क्लिक कर लिया है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, इनको इस तरीके से उठा कर यहाँ पर आपको फोल्डर्स में डालना है, सॉरी यहाँ पर आपको पहले कोई फोल्डर ऑन कर लेना है जो भी आप ऑन करना चाहते हैं, जिसके अंदर इसको ले जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, ये हमारा फ़ोन का डिस्क है और ये मोबाइल्स एंड इंटरनेट, तो यहाँ पर आप मोबाइल के अंदर रखना चाहते हैं तो मोबाइल कर सकते हैं, ये 32 GB वाला है तो हम इसको 32 GB के अंदर सेट कर देंगे। यहाँ पर आपका जो भी है वो चीज़ आप कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 28 का 28 पूरी GB खाली है और यहाँ पर 195 GB, और हमें यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट करना है न्यू फोल्डर, और यहाँ पर पहले से कुछ रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इनको इस तरीके से उठाकर इसमें डाल देंगे, ठीक है। और देखिए ये हमारी यहाँ पर कॉपी हो रही है, और कॉपी होने के बाद यहाँ पर ये हमारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगी। ये देखिए हमारी यहाँ पर वो वाली भी आ चुकी हैं जो सेलेक्टेड हैं, वो यहाँ से यहाँ आ चुकी हैं, यानी कि हमारे मोबाइल की रिकॉर्डिंग्स हमारे लैपटॉप के अंदर आ चुकी हैं जो कि इस पेन ड्राइव के अंदर आई हैं, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पेन ड्राइव के अंदर ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आप लोग बड़ी आसानी से ये चीज़ें कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।